तो यहां पर अभी गवर्नर बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। और गवर्नर जनरल जो बनेंगे वो कोई और है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है भाई, हाँ जी, अब मुझे बताएंगे सब लोग मैसेज करके कि यहाँ तक सबको स्टोरी क्लियर है या नहीं। मैसेज करेंगे सब लोग। मैम डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, बिल्कुल अभी मैं बताऊंगी डिफरेंस क्या है इनके बीच का, ठीक है। ये जो गवर्नर और गवर्नर जनरल है, ये इनकी पोस्ट का फर्क है, ठीक है, इनमें इनकी पोस्ट का फर्क होता है। और पोस्ट कैसे क्या है वो भी मैं आपको इसके बाद बताती हूँ अभी, ठीक है। होगा क्या कि ये जो क्लाइव के बारे में आपको मैं बता रही थी थोड़ा सा, जो ये क्लाइव है, ये देखो 1765 में अपने आप को कहते हैं गवर्नर, और फिर जो है 1767 में ही इनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि इतना करप्शन कर चुके होते हैं कि अब इंडिया में रह नहीं सकते। तो ब्रिटिश एक पार्लियामेंट में इनको बुलाया जाता है, और फिर इनको जो है वहां जाके इनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, तो इनकी जिंदगी फिर सही नहीं रही। और फिर आपको हैरानी होगी, इस पर्सन ने खुद अपने आप की सुसाइड कर लिया, इसने खुद अपने आप को मार लिया था। मतलब ही वॉज लाइक ही सुसाइड कर लिया था इन्होंने यहाँ पर, बिकॉज इतनी एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए थे, बिकॉज इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि इनको ये लगता था कि सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस चीज के चलते जो है इन्होंने सुसाइड कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ से ये चले गए थे, तो ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक पर्सन यहाँ पे भेजे, वेनी स्टार्ट। आपको किसी बुक में इनका नाम वगैरह चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स में नहीं दिया होता इनका, इनके बारे में जिक्र नहीं है, आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वेनी स्टार्ट जो है वो गवर्नर यहाँ पर आते हैं, और वेनी स्टार्ट के बाद जो है हेनरी वेनी स्टार्ट, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आते हैं, और फिर उसके बाद इनके बाद वेनी स्टार्ट के बाद कार्टियर ये आते हैं। अब कार्टियर को हटा करके 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। ये पर्सन आएंगे, इनको कहा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, ये इनको गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी याद रखिएगा, वेनी स्टार्ट, कार्टियर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर लेके आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग वर्ड का मीनिंग आप सब लोग मेरे साथ समझेंगे, रेगुलेटिंग वर्ड का आपको मीनिंग आई थिंक पता होगा, रेगुलेट करना, रेगुलेट किसको करना है और क्या रेगुलेट करना है। रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना, जैसे आपको पता ना कि जो हमारे फैंस होते हैं, फैन पंखा, उसका उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर कहते हैं ना, उसको जो उनको उसको कंट्रोल करता है कि हमें कौन से नंबर पे उसको चलाना है, कि हमें कितनी कितना उसमें से हवा चाहिए, तो हम रेगुलेट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, बिकॉज इट इज रेगुलेटिंग। सेम उसी तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं, सेम ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया, क्या था एक्ट का नाम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या कंट्रोल करना है, उनको करप्शन कंट्रोल करना है, जो भर भर के यहाँ पे करप्शन कर रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए नया एक्ट लाते हैं। और इस एक्ट में कहते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था,
नाम चेंज किया जाए इस पोस्ट का और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम रख दिया जाता है। ठीक है भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फिर ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो आते ही पहला काम करते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट को हटाते हैं। ठीक है, ये आते ही पहला ये वाला काम करके सबकी नजरों में अच्छे बन जाते हैं। तो ये एक्ट था जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए। इस एक्ट के बारे में हम एक्ट सारे कवर अप करेंगे वन बाय वन, सारे एक्टों को हम, एक्ट जितने भी है काफी सारे एक्ट है, इनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको एक्ट यहाँ पे समझा देती हूँ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब लोग, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है इस एक्ट में, लिख लीजिएगा। इट वॉज दी फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल क्या एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। ठीक है, दूसरा काम, द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल हैज बीन चेंज्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आप लोगों ने पढ़ लिया एंड साथ ही साथ क्या एक चीज और देती है, ये कहती है कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे क्या काम करेगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, जो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे काम करेगी ताकि कल को गवर्नर जनरल फिर से करप्शन ना शुरू कर दे। अगर इस पोस्ट को हमने बढ़ावा दे दिया तो कल को ये भी और कुछ ना करने लगे तो इसकी जगह पर हम एक नीचे इसके बंदे भी बिठाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर्स होंगे उसमें, चार मेंबर्स, लिख लीजिएगा, फोर मेंबर्स है, इंपॉर्टेंट है इसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, प्लस भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाने की इजाजत दी। कहां पे बनेगा सुप्रीम कोर्ट, कैलकटा में। ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में, जिसमें कौन कौन होगा, एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड थ्री अदर जजेस, एक CJI होगा और तीन और जजेस होंगे। ठीक है, ऐसे करके ये एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, ये इन्होंने यहां पर बात बोली। चौथी बात इन्होंने क्या बोली, जो भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसी से भी गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, कोई ब्राइब नहीं, रिश्वत नहीं ली जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी, जो हम एक्ट ला रहे हैं उसके थ्रू आपको यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, याद रखना। और साथ ही साथ क्या बोला गया, साथ ही साथ जो है यहां पर इस एक्ट में ये बोला गया कि, यहां तक नोट हो गया, ये स्क्रीन में यहां पे हटा रही हूं ताकि आप लोगों को यहां पर लिख लिया होगा सबने। और ये वो जो फोर मेंबर्स है ना, आई वांट कि आप इन फोर मेंबर्स के नाम भी नोट करो। ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो, कहीं भी कुछ भी कैसा भी पूछ सकता है। सो आई वांट कि चार मेंबर्स के नाम भी आप नोट कर लो, कल को क्वेश्चन अगर आता है तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, चार मेंबर्स के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, येलो कलर के पेन से लिख रही हूँ, आप वो येलो वाले नाम नोट कर लीजिए। लेफ्टिनेंट जॉन क्लेवरिंग, सेकेंड पर्सन का नाम लिखेंगे,
रिचर्ड बारवेल, थर्ड पर्सन यहां लिख रही हूं मैं, नाम लिखेंगे सब लोग, फिलिप, फ्रांसिस, और चौथा पर्सन था जॉर्ज मॉन्सन। ये चार थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल थे, ठीक है। और ये सब जो चार लोग होंगे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के नीचे काम करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछ लिया जाता है कई बार। और ये भी आपको मैं लिखवा दूं कि सीजेआई जो यहाँ पे हैं, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सीजेआई फर्स्ट कौन थे, है ना, ये भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट सीजेआई नाम लिखेंगे कौन थे, यही लिख रही हूं मैं, सर एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है वैसे अभी तक तो, बट वी डोंट नो, कुछ भी पूछा जा सकता है, हम तो अंदाजा लगा नहीं सकते कि क्या क्वेश्चन आएगा, तो कहीं से भी कुछ भी आता है तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, हमें नाम वाम पता होने चाहिए सारे। और यहाँ पे लिखा था कि भाई जो भी सैलरीज होंगी वो सब डिसाइड की जाएंगी, सैलरी वैलरी भी सब ब्रिटिश की जो सरकार है वही अपने हिसाब से डिसाइड करके बताएगी, राइट। तो ये था आपका पूरा एक्ट के बारे में चीजें, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको हम और कल भी देखेंगे, इसमें दो चार पॉइंट्स और हैं थोड़े डिटेल में समझाने हैं मुझे, तो वो हम इसके आगे कल भी देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मेन ये सारी चीजें थी रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में करने की कोशिश की थी, पहली बार कोई एक्ट लाए थे और कंट्रोल करने की कोशिश की, क्यों की थी, क्या था उसके पीछे के रीजन हम पढ़ चुके हैं अभी। तो फाइनली यहाँ पर ये चीजें हुई थी। अब आप लोग मुझसे अपने डाउट क्लियर करोगे, ठीक है, अब आप लोग मुझसे अपने डाउट पूछोगे, टेक्स्ट बॉक्स में ही सिर्फ पूछेंगे डाउट्स जो भी आपको होंगे, ठीक है, बाकी म्यूट अनम्यूट मत करना बिकॉज बहुत शोर आता है, फिर टेक्स्ट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछो, आई विल लिसन टू एवरीवन्स डाउट। फैजल का डाउट है, मैम यू मेंशन्ड अबाउट द डच, बट व्हेन दे चले गए थे यहाँ से, व्हेन, अच्छा वो कब चले गए थे यहाँ से, सो फैजल जो डच यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थे सारे लोग नहीं चले गए थे, ठीक है, कुछ लोग और कुछ टेरिटरीज उनकी अभी भी इंडिया में थी, तो कुछ डच इंडिया में अभी भी थे, लेकिन बात ये थी कि डच वर नॉट पावरफुल, वो थे और ना होना उनका बराबर, तो दे वर इन इंडिया बट दे वर नॉट पावरफुल एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियन पावर्स। सो मदद तो ली थी उन्होंने, कोशिश की थी मदद लेने की, उनसे भी बात करने की, बट मदद का कोई फायदा था नहीं कि वो दो चार लोग थे और उनसे मदद लेके इनको वैसे ही कुछ हासिल नहीं हुआ, राइट। और पूछो आप लोग अपने डाउट्स, जिसको जो भी डाउट है यू कैन आस्क। ब्रिटिश रूल इंडिया में किस बैटल के बाद स्टार्ट हुआ, आमिर चौधरी, ब्रिटिश रूल इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन जो प्रॉपर ब्रिटिश रूल था जब गवर्नर की पोस्ट मिली दैट वॉज स्टार्टेड बाय बैटल ऑफ बक्सर 1764 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। मैम अबाउट डुअल गवर्नमेंट वंस अगेन मेन वर्क, ओके ठीक है, डुअल गवर्नमेंट देखो बहुत ही सिंपल है, दोहरी सरकार मतलब हो गया ना कि दो सरकारें चलेंगी, तो कुछ नहीं था, एक कंपनी है मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना पैसों वाले राइट्स देखेगी और नवाब जो होगा वो सिर्फ पीस और ऑर्डर देखेगा, मतलब वेलफेयर के लिए काम करेगा, मतलब आपने देश की भलाई करनी है लेकिन आपको फंडिंग कुछ नहीं मिलेगी, आपको पैसा कुछ नहीं है आपके पास, तो बस सीधी सी बात है, यहाँ पर नहीं चल पाया, सूबेदार यहाँ पे थे नहीं चल पाया, सूबेदार आपको मैंने दो नाम लिखवाए यहाँ पे, सिताबरा वाला और रजा खान, यहाँ पे इंडियन रूलर तो बेकार हो गया, पपेट की तरह रह गया वो, फिर से करप्शन हो गया, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सारा खराब हो गया, इन चीजों की वजह से क्या होने लगा, सारा का सारा कंपनी का नाम बदनाम होने लगा, और इस बदनामी से बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया और फिर रेगुलेटिंग एक्ट लाके सारी चीजें कंट्रोल की।
इसे ही हम कहते हैं ड्यूअल गार्मेंट, राइट। पूछिए और भी डाउट्स कोई है किसी को तो। ओके इम्तियाज, इट इज योर फर्स्ट डे, प्लीज प्रोवाइड मी प्रीवियस लेक्चर ऑफ फर्स्ट थ्री। ओके मटेरियल वही है, ग्रुप पे आई विल अगेन सेंड, ठीक है। मैम हाउ मेनी क्लासेस यू हैव गिवन ऑफ दिस बैच? अभी हमारी टू क्लासेस इससे पहले हुई, दिस इज माई थर्ड क्लास विद SI बैच, सो ये थर्ड क्लास है एंड इससे पहले दो क्लासेस और हो चुकी है, उनके लेक्चर्स अपलोडेड है वो आपको मिल जाएंगे एंड जो नोट्स हैं ये भी दोबारा से सेंड हो जाएंगे ताकि आप लोगों को जो भी रहता है मिस आउट वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड मैम वाई दे वर नॉट हेल्पिंग नवाब्स? फैजल यार वो क्यों हेल्प करेंगे नवाब की? नवाब अपॉइंट का मतलब ये थोड़ी ना उनकी मदद करेंगे वो, अपॉइंट का मतलब ये कि काम तुम संभालो, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। नवाब की वो हेल्प नहीं करना चाहते थे, वो तो सिर्फ यहाँ पर नवाब को एक बना के रखा हुआ था कि तुम कुछ नवाब रहो यहाँ पर और मदद लोगों को देखो, हम लोगों को देखने नहीं जाएंगे, उनका तो काम सिर्फ लोगों से पैसा लेना था, वो नवाब की मदद कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, उनको क्या मतलब है नवाब से? सोचो ना आप, उनको अपने आप को उनकी जगह रख के सोचो, वो क्यों मदद करेंगे? वो यहाँ पे आए ट्रेड करने हैं, वो थोड़े ना यहाँ पे राव करने आए हैं कि हमें लोगों की मदद करनी है, राइट। हाँ एग्जैक्टली, देयर वाज अ सोल पर्पस वाज टू ड्रेन द वेल्थ, है ना। यहाँ पर मुगल्स तो नवाब उसको अपॉइंट कर रहे थे ना, तो डायरेक्टली ब्रिटिश अगर नवाब उस पर अटैक कर रही थी तो मगर डायरेक्टली उनकी हेल्प तो ओपनली क्यों? मुगल्स का क्या चक्कर था? मुगल्स खुद नॉन पावरफुल थे। मुगल्स जो हैं, ये शाह आलम जो था, ये देखो औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल मुगल नहीं आ पाया, उन सबको लेटर मुगल्स कहा जाता है, चाहे वो जानदार शाह था, फारूक सियार था, अकबर सेकंड थे, ये सब बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब जितना छोड़ के गए थे ना अपनी टेरिटरीज को, कोई भी संभाल नहीं पाया। इतनी बड़े एरिया को संभालने के लिए यू नीड पावर्स, यू नीड समथिंग, यू नीड दैट एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी इन लोगों के पास नहीं थी, इसलिए ये मुगल्स जो हैं ये खुद भी ब्रिटिशर्स से हारते और ये पंगा लेने से बचते थे, क्योंकि अगर ये पंगा लेंगे तो ब्रिटिशर इनको ही बंदी बना लेंगे, क्योंकि आपको अगर उनसे पंगा लेना है तो आपके पास खुद भी तो पावर होनी चाहिए ना उतनी, आपकी फोर्सेस, आपकी आर्मी, आपका सबको इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप उस बंदे से पंगा लेके जीत सको, तो ये वो लोग नहीं कर पाए थे। मुगल्स जो है वो औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल यहाँ पे जो है वो था ही नहीं, कोई जो कर सके, राइट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? गुड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे का ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका जो भी रहता है आई विल सेंड दी PDFs एंड नोट्स वगैरह, अगेन जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी रहता है जिसका भी आई विल सेंड देम, ठीक है। हाँ इट्स ओके HP, पहली बात तो है सब लोग अपने नाम से ज्वाइन करना प्लीज, ठीक है। HP तो नाम नहीं है किसी का, ये तो शॉर्ट फॉर्म हुई ना, तो आप लोग अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। कल की क्लास में आगे का कंप्लीट करते हैं। मैडम ऑब्जेक्टिव नोट्स सेंड करना, ऑब्जेक्टिव नोट्स क्या होते हैं? लाइक आज की क्लास में जो हुआ वो वाले नोट्स, या फिर MCQ कह रहे हो? MCQ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। MCQs, हाँ इसके जितना हम लोगों ने किया उसके आई विल सेंड यू सम MCQs एंड ट्राई टू अटेंड दिस, ओके। हाँ टॉपिक वाइज ही नोट्स मैं सेंड कर देती हूँ, एक साथ जो है वो देते हैं, टॉपिक वाइज मैं अभी से आपको सेंड करना स्टार्ट कर देती हूँ, राइट। चलिए ओके देन, कल की क्लास में मिलते हैं इसके आगे के लिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।